मनगवा तहसील में फर्जी कूट रचित राजस्व अदालत बनाकर अनुविभागीय अधिकारी मनगवा के खसरा सुधार का आदेश फर्जी प्रकरण चलाकर दर्जन भर से ऊपर किसानों की भूमि हड़पने की साजिश तथा करोड़ों की राशि लेकर कूट रचित मनगढ़ंत योजनाबद्ध तरीके से फर्जी आदेश जारी किए जाने के मामले में कलेक्टर के द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से एक बार फिर शिकायतकर्ता बीके माला ने आयुक्त अनिल सुचारी से शिकायत की है। अधिवक्ता बीके माला की शिकायत पर कमिश्नर रीवा ने कलेक्टर को आवश्यक जांच कर कार्यवाही का निर्देशन दिया है। बताया जाता है कि दोषी कर्मचारी रिटायर होने वाला है, जिसके चलते अधिवक्ता ने कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनते हैं अधिवक्ता बीके माला ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। देखिए, हमने एक आवेदन दिया था कि मनगवा में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुआ है, नियम विरुद्ध काम हुए हैं, कि मनगवा तहसील के अंतर्गत फर्जी अदालत तैयार करके एक फर्जी आदेश जारी किए गए थे। लगभग 20 भूमि स्वामियों के किसी को पार्टी नहीं बनाई गई और बिना पार्टी को बनाए, बिना संबंधित पक्ष को सुने फर्जी तरीके से कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने तहसील के अंदर, तहसील में कुछ दलाल सक्रिय थे और तहसील के कुछ कर्मचारी उसमें शामिल थे, जिसमें SDM के पदमुद्रा हस्ताक्षर से एक आदेश जारी होता है कि फला व्यक्ति की भूमि फला नामांतरण की जाती है या उनके नाम दर्ज की जाती है। जब संबंधित भूमि स्वामी को सुना नहीं गया, संबंधित भूमि स्वामी की आराजी के संदर्भ में बात चला नहीं, प्रकरण चला नहीं, तो इस शनिवार रविवार को एक योजना बनती थी और वहाँ पर फर्जी अदालत उसी तहसील के अंतर्गत, बाहर नहीं होता था, उसी तहसील में होता था और तहसील के अंतर्गत समस्त डॉक्यूमेंट बना तैयार किए जाते थे, ऑर्डर शीट तैयार की जाती थी। तो इस संदर्भ में जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमने माननीय आयुक्त महोदय को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ और संबंधित भूमि स्वामियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन दिया, आवेदन प्रस्तुत किया और माननीय आयुक्त महोदय को आश्वस्त किया कि इस संदर्भ में समस्त अभिलेख इस प्रकार के हैं। तो माननीय आयुक्त महोदय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और इस संदर्भ में कलेक्टर महोदय को दूरभाष से भी चर्चा की, उन्होंने जांच के निर्देश दिए। यह एक रिमाइंडर पत्र फिर कमिश्नर आयुक्त महोदय से मैंने मिला, उनसे आग्रह किया तो दोबारा एक 29/8/2000 को एक पत्र जारी हुआ है 2022 के और माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र संबोधित है। यह फर्जी कूट रचित मनगढ़ंत अदालत बना के जो दस्तावेजी आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें न प्रकरण क्रमांक है, न आदेश प्रकरण क्रमांक है, न संबंधित वह प्रकरण क्रमांक दूसरे के नाम दर्ज है, पर यह प्रकरण क्रमांक जो डाला गया है वह पंजी में मनगवा के अनुविभागीय कार्यालय के पंजी में दर्ज नहीं है। SDM के हस्ताक्षर मुद्रा है, ऑर्डर शीट है, सब चीज़ें हैं। इस प्रकार की फर्जी आदेश जारी किए गए, जिसके संदर्भ में आयुक्त महोदय ने कलेक्टर महोदय रीवा को जांच के निर्देश दिए हैं, दोबारा रिमाइंडर पत्र गया है, तो इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं और हम निष्पक्ष की जांच की मांग भी कर रहे हैं कि प्रकरण के बिंदुओं की निष्पक्ष जांच हो।